ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि हम ऑड नारी जो हमारी नई वेबसाइट है ODD ODD NAARI ODD NAARI.IN जिसकी संपादक हैं प्रतीक्षा, जिसकी हमारी साथी प्रेरणा और लालिमा, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लल्लनटॉप के न्यूज रूम में। कैसा लग रहा है एक क्रूर किस्म के बॉस से स्वागत जैसे शब्द सुन के? जी माइक पे बोलिए, कीप इट सिंपल। ऐसा अजीब नहीं लग रहा है, ऐसे स्वागत है आपका, एकदम टीवी जैसा फील आ रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल वो स्टैंडर्ड रिप्लाई नहीं होता, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक्चुअली सब सुबह से इतने बिजी हैं सारे की कुछ महसूस करने की अवस्था में नहीं है, कुछ महसूस करने की अवस्था में नहीं। चूंकि मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया है अपने न्यूज रूम में इस लाइव उसमें कि जो महिला कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग जगहों पर चुनाव लड़ रही हैं, हम उनके बारे में अपडेट दे सकें, तो सबसे पहले मैं ही कुछ अपडेट देता हूं जो मेरे पास बिल्कुल लाइव हैं। फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति वो 1,00,000 वोटों से आगे चल रही हैं, यानी ये कंफर्टेबल लीड कही जाती है लोकसभा चुनाव में। एक बज रहा है, सुखदेव वर्मा दूसरे नंबर पर है एक महिला कैंडिडेट। कैराना में जो बाई इलेक्शन जीती थी तबस्सुम हसन वो फिलहाल पीछे चल रही हैं, ये दूसरा अपडेट है। रामपुर से जया प्रदा पीछे चल रही हैं, ये तीसरा अपडेट है। मुंबई की एक सीट से पूनम महाजन आगे चल रही हैं और इसीलिए प्रिया दत्त, चूंकि दोनों एक ही सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो पीछे चल रही है। ये अभी हमारे पास अपडेट है। स्मृति ईरानी के बारे में हमने आपको बताया कि वो 2700 वोटों से राहुल गांधी से आगे चल रही हैं। आप लोगों के पास क्या अपडेट है बताइए। सर कविता सिंह जो हैं सिवान में, सिवान की सीट जो है उनके सामने हीना शहाब हैं, कंटेस्ट कर रही हैं, शहाब मोहम्मद शहाबुद्दीन की वाइफ है, जेडीयू के टिकट जी जी जी, तो वो लीड में हैं। हालांकि हाँ कविता सिंह लीड में हैं, लेकिन उन लोगों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन 10-12,000 वोट्स का है अभी। तो अभी देखते हैं, वो बदलता जा रहा है, कभी 8,000 हो जाता है, कभी 12,000 हो जाता है, तो वो शाम तक क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी तक सुबह से कविता सिंह लीड में बनी हुई है। दूसरी है बीजेपी की कैंडिडेट रीति पाठक जो सीधी से खड़ी हुई है, हाँ मध्य प्रदेश की सीधी से हैं। इनके सामने कांग्रेस के अजय अर्जुन हैं लीड में, अजय सिंह नाम है। हाँ। इनके पिता का नाम अर्जुन सिंह था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पंजाब के राज्यपाल भी रहे, और मेरे पास माइक है, मेरा देश में कई सरकारों में मंत्री भी रहे, उनके बेटे हैं। ये नेता प्रतिपक्ष थे, लालिमा तुम्हारे स्टेट के हैं, ये बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, पिछली विधानसभा में ये नेता प्रतिपक्ष थे, पर विधानसभा चुनाव हारे और अब लोकसभा चुनाव भी हार रहे हैं आपके मुताबिक? हाँ, हाँ, पीछे चल रहे हैं ये, और रीति पाठक की लीड जो है वो अभी तक क्लियर बनी हुई है। भोपाल से बीजेपी कैंडिडेट प्रज्ञा सिंह ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा जो हैं वो आगे चल रही हैं, दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं। हाँ, काफी डिफरेंस है वोट का, तो बाइट भी दे दी है आके। और ईस्ट दिल्ली से आतिशी जो हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट वो पीछे चल रही हैं, तीसरे नंबर पे चल रही हैं, टॉप पे गौतम गंभीर बने हुए हैं, काफी ज्यादा लीड है, जैसा आपने कहा कंफर्टेबल लीड जिसे कह सकते हैं, तो वो चीज बनी हुई है। 50,000 के ऊपर लीड अगर आपकी तो एक वो बनी हुई है, बाकी मध्य प्रदेश और बाकी मथुरा का एक मेरे पास अपडेट है, हेमा मालिनी 1,11,000 वोटों से आगे चल रही है, और मिर्जापुर में अपना दल की अनुप्रिया पटेल जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी नरेंद्र मोदी सरकार में, वो लगभग 54,000 वोटों से कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी से के मुकाबले आगे चल रही हैं। जी मेरे पास महाराष्ट्र के कुछ अपडेट्स हैं, यहाँ पर बीड से प्रीतम मुंडे ने इलेक्शन लड़ा है, बीजेपी की हैं, गोपीनाथ मुंडे, हाँ गोपीनाथ मुंडे की बेटी, और ये लीड पर हैं, ये आगे चल रही है, इनका अच्छा खासा मार्जिन है, काफी ज्यादा वोटों के अंतर से ये आगे चल रही है। तो 5,00,000 से ज्यादा वोट, हाँ हाँ ये 5,00,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी, और इसके अलावा आपने जैसे पूनम महाजन का बता दिया है, ये इसके पहले भी यही जीती थी और इस बार भी ये अच्छे खासे अंतर से आगे चल रही है। उसके अलावा नंदुरबार से हीना गावित ने इलेक्शन लड़ा है, बीजेपी की हैं ये, और इन्होंने पिछले बार इलेक्शन लड़ा था पहली बार, और तब इन्होंने 9 बार के जो सांसद थे उनको हराया था, और ये MBBS है और इस बार भी ये लीड पर चल रही है, और इनका भी जो वोटों का अंतर है वो काफी सही है। इसके अलावा रक्षा खडसे जो एकनाथ खडसे हैं, जी बड़े नेता, हाँ बड़े नेता है, महाराष्ट्र के काफी बड़े नेता हैं, तो उनकी बहू है रक्षा खडसे, ये इनकी इन्होंने पिछले बार ही चुनाव लड़ा था पहली बार, और रावेर से ये इस बार खड़ी हुई है बीजेपी की टिकट पर, और यहाँ पर भी वो लीड कर रही हैं, इनका भी अच्छा खासा अंतर है। इसके अलावा यवतमाल वाशिम, यहाँ से शिवसेना की 5 बार की सांसद रही हैं भावना गवली,
जी। इस बार भी शिवसेना ने इन्हें टिकट दिया है और यहाँ से ये अच्छे खासे इनका भी जो है वो लीड अच्छा चल रहा है। और गुजरात में बीजेपी ने 6 महिलाओं को टिकट दिया था, सभी आगे हाँ, और कांग्रेस ने 1 महिला को टिकट दिया था, गीता पटेल, वो अहमदाबाद ईस्ट से, और बाई डिफॉल्ट पीछे ही वो पीछे ही है। ये अभी तक की मेरे पास अपडेट है गुजरात और महाराष्ट्र। राजस्थान कृष्णा पूनिया, हाँ कृष्णा पूनिया पीछे चल रही है, राज्यवर्धन सिंह राठौर आगे चल रहे हैं, वहाँ तो सारी 25 सीटों पर हाँ हाँ आगे चल रहे हैं जी। अच्छा चलिए, अब आप लोगों से एक एक सवाल और पूछूंगा। ये नरेंद्र मोदी जिनके नाम पर जनादेश मिला है, प्रतीक्षा तो फील्ड में भी गई है, उन्होंने ये चीज देखी है, मुद्दा मोदी है, मोदी की स्कीम्स हैं, पार्टी कैंडिडेट वो सब गॉड है। महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक है जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़ा है, आप लोगों को ऐसा लगता है, देश को तो लगता है, और किन वजहों से आपको लगता है कि वो पक्ष में खड़ा हो सकता है, क्या वजह है, क्या ऐसा किया नरेंद्र मोदी ने? देखिए महिलाओं को तो हमें बांटना ही पड़ेगा ग्रामीण में और शहरी में, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग वजह है। पिछले डिस्कशन में भी जैसे मैं आपसे बता रही थी, ग्रामीण की वजह मेजर वजह सिलेंडर है, सिलेंडर एंड शौचालय, शौचालय शौचालय सब यूज करते हैं, मगर स्वच्छ भारत अभियान जिस तरह ग्रामीण में इज्जत घर के नाम से उसको अगर हम कह सकते हैं मार्केट किया गया है, जो इमेज बनाई गई है वो मोर और लेस इसी पॉइंट पे बनाई गई है कि आपकी बेटियों को, बहुओं को, पत्नियों को अकेले रात में नहीं निकलना पड़ेगा या जल्दी सुबह नहीं जाना पड़ेगा। तो और इस तरह की जो बार बार खबरें हमने आई कि हमने देखी कि दुल्हन ने बारात लौटा दी क्योंकि शौचालय नहीं बनाए, तो शौचालय को भी प्राइमरीली, हालांकि वो सब यूज करते हैं, मगर उसको प्राइमरीली औरतों के लिए एक इज्जत घर, इनफैक्ट हर शौचालय पे इज्जत घर लिखा भी रहता है, हम जब वहां गए हैं तो उसको प्राइमरीली औरतों के लिए देखा गया है। तो औरतों के लिए ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं, शौचालय और सिलेंडर। अर्बन विमेन के लिए जो इश्यूज हैं वो थोड़े से अलग हैं, उनको ऐसा लगता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में कुछ औरतों का कहना था कि उनको ऐसा भरोसा है कि अगर मोदी की सरकार रहेगी तो वो सेफ फील करेंगी। अच्छा, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेटर स्टेट में रहेगा, जो कि उनको ऐसा लग रहा था कि और किसी नेता वो झट से वो योगी और अखिलेश को भी कंपेयर करने लगती हैं, और उनका ये कहना है कि योगी के समय से लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए काफी बेहतर हो चुका है। ये हम लोगों ने भी, मैं मुरादाबाद में कुछ लड़कियों से बात कर रहा था तो उन्होंने ये चीज कही कि वी फील मोर सेफ जब हम बाहर जाते हैं तो। जी, एंड सेकेंडली अर्बन लड़कियों के साथ ये भी है कि दे आर एक्टिव ऑन न्यूज, वो सब कुछ देख रही हैं, समझ रही हैं, जान रही हैं, तो नेशनलिज्म का जो रेटरिक बिल्ड है वो उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है कि उनको लगता है कि मोदी ने पाकिस्तान को कोट एंड कोट जवाब दिया है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, ये मेरा दरअसल आप लोगों से दूसरा सवाल यही था कि ऐसा गल आप लोग क्या लगता है, आप लोग जिन महिलाओं से लड़कियों से बात करते हैं कि ये तो कुछ तो महिलाओं के मुद्दे हो गए, कुछ जो मुद्दे हैं जो सबके ऊपर लागू होते हैं, सारे नागरिकों के ऊपर, तो ये जो नेशनलिज्म का मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, महिला वोटर इससे कितनी प्रभावित होती हैं? लालिमा आप लोग बताएं, सब लोग घर पे बात होती है, आप लोग अलग अलग लोगों से बात करते हैं? हाँ, बात होती है, मेरी इस टॉपिक में मेरी मम्मी से भी बात हुई थी, तो मम्मी का तो सीधे सीधे तौर पर ये कहना था कि ये जो है, मतलब जो एक तरीके से जो क्रिएट किया गया है ये उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा उनके हिसाब से, औरतों को ज़्यादा इफेक्ट करता है उनकी सुरक्षा, नेशनलिज्म का मुद्दा है बट उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, ये मैंने जितने लोगों से बात की थी तब मुझे ये समझ में आया था। एक्चुअली ऐसा भी है कि औरतों की एज के अकॉर्डिंग उनके मुद्दे अलग अलग हैं। जो हाउसवाइव्स हैं, जैसे हम लखनऊ में थे तो मैं कुछ ऐसी महिलाओं से बात कर रही थी जो शादी की शॉपिंग वगैरह करने के लिए निकली हुई थी, तो वो नोटबंदी से काफ़ी खुश हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप नोट कि क्या आपने कुछ नोट अलग करके नहीं रखे थे, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं ने ऐसा किया हुआ था कि उन्होंने कुछ अपनी सेविंग्स बचा के अलग करके बक्से में कहीं डब्बे में, और वो हार्ड कैश होता है, उसको वो बैंक में नहीं जमा करती हैं औरतें, क्योंकि उनको लगता है कि बैंक जाना बड़ा पचड़े का काम है। मैंने उनसे पूछा कि ये सब हुआ, आपके पैसे, आपको लाइन में लगना पड़ा, आपको नोट बदलना पड़ा, तो सभी महिलाओं का स्टैंडर्ड जवाब यही था कि हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हमें लाइन में लगना पड़ा, हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो ब्लैक मनी है वो खत्म हो जाए।
तो आई थिंक जो अर्बन वुमेन है दे आर मोर अवेयर एंड वो हर रोज न्यूज देख रही हैं, तो उनके ऊपर उसका बहुत फर्क है। ये अस्पतालों में ये लोग कह रहे हैं कि आप तो प्रतीक्षा गई भी थी कालपी समेत कई जगहों पर और भी आप कई सेंटर्स में गई थी। जब मैं स्त्रियों के बारे में सोचता हूँ या स्त्री वोटर के बारे में सोचता हूँ एक संवाददाता के तौर पे, तो मुझे सबसे पहले उनकी हेल्थ और उसके बाद उनके रोज़गार, शिक्षा, रोज़गार, हेल्थ के लेवल पे किस तरह के कंसर्न सामने आए हैं महिला वोटर्स के, खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं के, क्योंकि उनके बीच जागरूकता कम होती है, या आप लोग बहुत सारी स्टोरीज करते हैं ग्रामीण महिलाओं के बारे में, हेल्थ और पॉलिटिक्स इन दो को कनेक्ट करके बताइए। मेजर कंसर्न जो मुझे दिखाई देती है वो है परिवार नियोजन की जी, क्योंकि महिलाओं के बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसे गांव हैं जो थोड़े संपन्न हैं कंपैरेटिवली, वो लोग ऐसा दो बच्चों के बाद या शायद तीन बच्चों के बाद वो रुक जाते हैं, मगर ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, स्पेशली जब हम बुंदेलखंड के एरिया में साथ में थे और फिर उसके बाद हम पूर्वांचल की ओर गए तो वहाँ भी कुछ गांव हैं जहाँ पे लोग, औरतें नहीं करवाने को तैयार हैं ऑपरेशन, उसकी मेजर वजह डर है, जो उनको ये लगता है कि ऑपरेशन करवाने से कुछ बहुत नुकसान हो जाएगा, हमारी मौत हो सकती है, खून इतना बहेगा और तकलीफ बहुत होगी, और दूसरी बहुत कम है अभी भी, बहुत कम जानकारी है, और सिर्फ यही मुद्दा नहीं है, बात ये भी है कि सरकारी अस्पताल जो हैं उनमें एक जो रवैया होता है पेशेंट्स को लेकर के, उसको लेकर के काफ़ी कंप्लेंट सामने आई हैं। जैसे मैं और सरवत कई बार हम स्टोरीज जब करते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य पर, हम उनसे बात करते हैं, हम डॉक्टर से बात करते हैं, तो जो कई प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे पास कई लोग सिर्फ इस वजह से आते हैं क्योंकि उनको ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है, जो सरकारी अस्पताल अवेलेबल हैं उनके अफोर्ड कर सकते हैं, वो उनके खर्च में आ सकते हैं, वहाँ पर उनके साथ व्यवहार नहीं ठीक किया जाता है। जैसे ये कई अभी हमने एक स्टोरी की थी, हमने अबॉर्शन पे स्टोरी की थी, तो उसमें ये चीज़ निकल कर सामने आई कि जो छोटे छोटे सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा टैबू है, तो जो लड़कियाँ हैं, जो औरतें हैं जो गर्भपात करवाना भी चाहती हैं, जो उनके ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है वो करवाना भी चाहती हैं, उनको इस तरह का रवैया वहाँ पे झेलना पड़ता है कि वो जा नहीं पाती, फिर वो बैक स्ट्रीट जो उसको कहा जाता है कि अवैध गर्भपात जैसे कहा जाता है वो करवाती हैं, उससे उनकी सेहत पर असर पड़ता है, कईयों की मौत तक हो जाती है। तो ये जो सरकारी अस्पतालों में रवैया है पेशेंट्स को लेकर के, और ख़ास तौर पर औरतों की जो बीमारियाँ होती हैं जिसको लेकर पहले ही बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है, बहुत ज़्यादा टैबू है कि भाई हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, है गंदी बीमारी है, तो उसको लेकर के अभी भी वो खुल नहीं पाए हैं उतना, तो ये वाली चीज़ गाँवों में बहुत ज़्यादा है, शहरों में फिर भी कम हो गई है क्योंकि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर भी थोड़ा खुल गए हैं, लेकिन गांवों में ये वाली चीज थोड़ी ज्यादा है, तो ये जब तक उनको डॉक्टर्स को सेंसिटाइज नहीं किया जाएगा, उनको इस चीज को लेकर के ज्यादा संवेदनशील नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम लगातार जो स्टोरीज करते रहते हैं उसमें ये वाली जो चीज है ये रिकरिंग तौर पर सामने आती है कि ये मुद्दा तो है, और जब तक ये डॉक्टर्स नहीं समझेंगे तब तक ये उस एरिया की जो औरतें हैं उनको भी खुलने में प्रॉब्लम होगी, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पीपी मॉरल इशू तो है। हेल्थ के अलावा और हेल्थ और सुरक्षा के अलावा और कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बनने चाहिए? पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा सबसे बड़ा हिस्सा ये होना चाहिए कि औरतें खुद ही पॉलिटिक्स में नहीं है, विच इज़ बहुत ही मेजर, क्योंकि औरत को हम पहले भी बात कर रहे थे कि हम औरत को एक वोटर के तौर पर तो देख लेते हैं, उनके लिए योजनाएं बना रहे हैं, पर औरत को क्या हम कैंडिडेट के तौर पर भी देख रहे हैं? अभी बीजेपी की, महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी एक महीना पहले लगभग उन्होंने कहा भी था कि हम अपनी महिला कैंडिडेट्स पे ही भरोसा नहीं कर पाते, हमें लगता है कि वो खड़ी होंगी तो वो जीतेंगी नहीं, विनेबिलिटी फैक्टर का जिक्र किया जी, जाता है। जी, 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 इस जी। इसलिए हम केवल उन्हीं महिलाओं को खड़ा करते हैं जो एक पॉलिटिकल स्ट्रांग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती है, और नई लड़कियों को या युवा लड़कियों को चांस नहीं मिलता है, दोनों तरफ से है, घर वालों को भी लगता है कि पॉलिटिक्स एक सेफ फील्ड नहीं है क्योंकि हमने हिस्ट्री देखी है मनी पावर मसल पावर की, जो कि और एक मैस्कुलिन माहौल की। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, यहाँ पर जैसे कि इलेक्शन के पहले सभी पार्टियों ने कहा था कि हम महिलाओं को मौका देंगे, पॉलिटिक्स में लाएंगे, लेकिन जैसे अब हम लिस्ट देखते हैं तो बहुत ही कम महिलाएं जो है वो उम्मीदवार बनी हैं। इसके अलावा मैंने स्टोरीज़ बहुत सारी स्टोरीज़ करते टाइम पे हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स और स्ट्रिंगर्स से बात की थी, जब उन्होंने हमें बताया था कि बहुत सारी जगहों पर महिला कैंडिडेट्स को तो स्ट्रॉन्ग सीट पर टिकट
बहुत ही कम जगह पर देते हैं और उन्हें उस सीट पर टिकट दी जाती है जहां पर पार्टी को लगता है कि यहां पर हम हार भी गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए नाम के लिए उनको महिला कैंडिडेट्स को टिकट दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ा मतलब फैक्टर है जो हमें पता चला है। हाँ, मुद्दा है कि जैसे बिहार में हमने इस पर एक स्पेशल स्टोरी भी की थी कि किस तरह से विभा देवी, नीलम देवी, कविता सिंह सब लोग ये जो उतरी हैं चुनाव थोड़ा में, विस्तार से बताइए इसके बारे में। सर ऐसा है कि जो बिहार में कई सीटों पर जैसे जो चुनाव लड़े जा रहे हैं उनमें जो औरतें उतरी हैं वो औरतें बाहुबलियों की पत्नियाँ हैं, तो बेसिकली ये वो लोग हैं जिनके पास मसल पावर बहुत है, जिनका दबदबा, जिनको टेलीविजन की भाषा में दबंग कहा जाता है या पॉपुलर भाषा में जिन्हें बाहुबली कहा जाता है, ये उनकी पत्नियां हैं। कविता सिंह भी अजय सिंह की पत्नी है, उनके ऊपर भी केस चल रहे हैं। हीना शहाब के पति मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है सिवान में, उनका बहुत डर बैठा हुआ था एक समय पर, तो और ये हमने बड़े होते हुए देखा है, ये शहाबुद्दीन का जो एक डर है कि लोग नाम से थर थर कांपते हैं। तो मैं बिहार बेल्ट में वहीं पर पली बड़ी हूँ तो मैंने ये वाली चीज़ देखी है। तो अब अभी तक वो इन्फ्लुएंस चला आ रहा है कि अब उनकी पत्नी, अब चूंकि शहाबुद्दीन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनकी पत्नी हीना शहाब चुनाव लड़ रही हैं, कविता सिंह चुनाव लड़ रही हैं और ये लोग मेन नाम हैं, मतलब मुख्य नाम है जो अभी सामने आ रहे हैं, विभा देवी, विभा देवी है, ये लोग भी उतरे हुए हैं। लेकिन इन औरतों की अपनी कोई एज सच आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि रंजन भी मतलब उनकी एक बड़ी आइडेंटिटी यही रही, हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस में अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश की है, लेकिन ज्यादातर आप सही कह रहे हैं यही मामला रहता है। मामला यही रहता है और वोट करते हुए भी लोग उन औरतों की आइडेंटिटी नहीं देखते हैं, लोग ये देखते हैं कि किनकी पत्नी है और उसी हिसाब से फिर उनको वोट देते हैं। तो ये वाला जो कल्चर है ये भी काफी ज्यादा है और ये चीज हमने देखी थी कि सरपंचों के भी जो चुनाव होते हैं उसमें भी ये चीज होती है। हाँ, तभी हमने एक नया शब्द ही सुन लिया, प्रधानपति। हाँ, प्रधानपति की आप जहाँ पे सीटों, प्रधानपति जहाँ पे सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है वहां पर उनके पति जो होते हैं वो अपनी पत्नियों को खड़ा कर देते हैं कि हाँ भाई ये तो महिलाओं की सीट है, तुम यहाँ से चुनाव लड़ लो। कई गाँव में तो उनको नाम ही नहीं पता होता अपने प्रधान के, वो उनको उनके पतियों के नाम से ही रेफर करते हैं। ब्रैकेट में भी लिखा जाता है पुत्र वधु सो एंड सो और पोस्टर पे भी जो वो पत्नी होती है वो साइड में होती है, बड़ा सा पोस्टर जो होता है वो पति या ससुर जी का लगा होता है। तो ये बिहार में ये वाली चीज भी काफी ज्यादा मतलब सामने आई है, इस पर हमने बहुत ज्यादा रिसर्च भी की थी, इस पर हमने स्टोरी भी की थी। बाकी पीपी आप बताइए। आपकी ही बात को कंटिन्यू करते हुए जो आप बता रहे थे कि ग्राम लेवल पे एक्चुअली 33% रिजर्वेशन है और वहाँ ये हालत है, इसी रिजर्वेशन की मतलब रिजर्वेशन का पूरी तरह से मिसयूज हो रहा है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जहाँ तक मुझे याद है कहा था कि वो विमेन्स रिजर्वेशन बिल लाने की कोशिश करेंगे जो 33% प्रॉमिस करता है। कमाल की बात ये है कि 33% रिजर्वेशन आप मैनिफेस्टो में प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन जब आप अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं तो वो वहां पे ही आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी जो दो सबसे बड़ी पार्टियां इस समय हैं, उन दोनों के ही जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं अगर हम उनका परसेंटेज निकालते हैं तो 33 तो छोड़िए, दोनों के ही कैंडिडेट्स 15% से नीचे आती है जितने उन्होंने टोटल खड़े किए हैं कैंडिडेट उनके कंपैरिजन में। शाइना एमसी ने ये चीज कही भी थी जब उन्होंने इस पर बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल दो ही ऐसी पार्टियां हैं और वो भी रीजनल हैं जिन्होंने अपने जो टिकट्स दिए हैं उसमें क्रमशः 41%, जैसे टीएमसी ने 41% और बीजू जनता दल ने 33% महिलाओं को टिकट दिया है, बाकी किसी भी नेशनल पार्टी ने चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो उन्होंने नहीं इतनी टिकट दिए हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आप सिर्फ बोल रहे हैं, आप कर कुछ नहीं रहे हैं। आप नाम हमेशा लिया जाता है, 33% जो इलेक्शन वाली चीज़ है, ये जब हम 12वीं के एग्जाम दे रहे थे तब भी ये चीज़ इस पर सवाल पूछे जाते थे। अब हमें इतने साल हो गए हैं, हम इतने चुनाव, दो चुनाव तो हमने अपनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के बीच में देख लिए हैं, उसके बीच में भी कुछ हुआ नहीं है। तो केवल उसको कहते हैं ना कि बातों के सिर्फ बातें बनाने वाली चीज हो रही है, काम चल रहा है। हाँ, बिल्कुल वही चीज है। हाँ, इनफैक्ट आखिरी दो तीन चुनावों में ये कोई भी जितने भी कैंडिडेट्स आई हैं, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, उनका परसेंटेज ज्यादा नहीं बदला है। पिछली लोकसभा में भी सिर्फ 66 महिलाएं थी। चलिए कुछ और महिलाएं हैं जिनके बारे में अपडेट देते हैं, उसके बाद ये बातचीत यहाँ पर एक अर्धविराम लगाएंगे। सुपौल से रंजीत रंजन पीछे चल रही हैं, यहाँ पर दिलेश्वर महतो जो जेडीयू कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। बशीरघाट से टीएमसी कैंडिडेट हैं नुसरत जहां, एक्ट्रेस हैं शायद,
जी, तो वो आगे चल रही हैं। लॉकेट चटर्जी बीजेपी की नेता हुगली से आगे चल रही हैं, ये दो अपडेट हैं। इसके अलावा सावित्री बाई फुले, ये भाजपा की सांसद थी बहराइच से, उसके बाद कांग्रेस में चली गई और प्रियंका गांधी के बगल की नज़र आ रही थी। बहराइच में ये पीछे चल रही हैं और बहराइच से अक्षवर लाल गोंड जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। हेमा मालिनी के बारे में जैसे हमने आपको पहले बताया, वो 1 लाख से ज़्यादा की वोटों के मार्जिन से आगे चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लालिमा, प्रेरणा और प्रतीक्षा आपका इस बातचीत को समृद्ध करने के लिए।